हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग अमेजिंग। इफ यू वाचिंग मी फॉर द फर्स्ट टाइम, हाय, माय नेम इज दीपिका। एंड आल्सो प्लीज इग्नोर, मैंने बहुत ज्यादा ऑयलिंग करी है तो मैं बिल्कुल चंपू लग रही हूँ। सो आज मैं शूट करने वाली हूँ BTS बिहाइंड द सीन डांस वीडियो का। जो डांस वीडियो आ चुका होगा उसका, सो मैंने बहुत सोचा था, मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को भी दिखाऊँ कि एक मिनट की वीडियो के लिए कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है। एंड ऑल्सो आई एम नॉट वेल, और मेरे बोलते हुए भी सांस फूल रही है, बट मैं ये वीडियो बहुत ज़्यादा करना चाहती हूँ। मतलब मैंने बहुत टाइम से कोई भी डांस वीडियो नहीं पोस्ट करी थी, तो मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा था। एंड ऑल्सो अब मुझे नहीं पता मैं डांस वीडियो कब शूट कर पाऊँगी जल्दी से, क्योंकि उसका रीज़न भी मैं बताऊँगी क्यों। तब तक आप ये वीडियो इन्जॉय करना, ठीक है? और ये है मेरा डांस हॉल, और आई थिंक मेरी आवाज़ भी थोड़ी गूंज हुई, और ये मेरा कैमरा कहाँ भाग रहा है। ओके, सो ये है मेरा डांस हॉल, और आप लोग को थोड़ी आवाज़ भी गूंज हुई, ये बिल्कुल खाली है। सो मैंने डांस वीडियो हम कल शूट करने वाले हैं। आज मैं थोड़ी सी प्रैक्टिस करूँगी, थोड़ी सी तैयारी करूँगी, थोड़ा सा रेस्ट करूँगी, ताकि कल तक मैं एकदम मतलब अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँ, शूट कर पाऊँ। सो या मैं यहीं पे प्रैक्टिस करूँगी, मैंने खुद ही कोरियोग्राफ किया है, मैं खुद ही प्रैक्टिस करूँगी, सब कुछ अकेले करूँगी। सो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट करें लेट्स गेट स्टार्ट द प्रैक्टिस। यस, इसमें तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना क्योंकि हमारे पास बहुत कम टाइम है। सो डांस स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा वार्म अप करती हूँ, वरना बॉडी फील होती है। सो पहले हम करेंगे वार्म अप। बहुत डिफिकल्ट है यार, मतलब एक तो मुझे साड़ी वेयर करनी है, तो मुझे उसी हिसाब से स्टेप बनाने हैं, क्योंकि क्या होता है कि जो इस ड्रेस में हमारे स्टेप होते हैं वो कभी कभी साड़ी में सूट नहीं करते, मतलब वो बहुत ज़्यादा ऑड लगते हैं, और अपने लेग्स भी ज़्यादा ओपन नहीं कर पाते साड़ी में। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ज़्यादा। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि मैं विदाउट मिरर स्टेप बना रही हूँ, और विदाउट मेरे प्रैक्टिस कर, क्योंकि अभी वाइट वॉश हुआ था तो सब सामान हट चुका है। सो ये और भी ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है मेरे लिए, बट या हम कुछ भी कर सकते हैं। ओ गॉड, सो फाइनली मेरी पूरी प्रैक्टिस हो गई, मैंने साड़ी पहन के देख ली और उसमें सारे स्टेप मैच हो रहे हैं, बस एक दो नहीं हो रहे, वो मैं क्विक अभी चेंज कर दूंगी। सो मेरी प्रैक्टिस हो चुकी है, बस अब आज के लिए और कुछ नहीं है। ड्रेसेस मेरी रेडी है, ज्वेलरी मेरी रेडी है, और या बस अब हम मिलते हैं कल
आज का दिन अब मैं इससे ज़्यादा और प्रैक्टिस नहीं कर सकती क्योंकि मुझे क्लास एंड ऑल भी लेनी है और भी बहुत काम है. सो या सी यू टुमारो. हेलो एवरीवन. सो आज है डे टू और अभी बज रहे हैं मॉर्निंग के 5 AM. आई नो इट्स क्रेजी और मुझे बहुत ज़्यादा नींद भी आ रही है, बट अभी इतनी ज़्यादा गर्मी है तो इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम लोग मॉर्निंग में जाएंगे. सो अभी मैं उठी हूँ जस्ट और रेडी होंगे क्योंकि हमें घर से ही रेडी होके जाना पड़ेगा, वहाँ पे कुछ रेडी होने का वो है नहीं. सो या चलो अब मैं होती हूँ फटाफट रेडी और फिर हम निकलते हैं शूट के लिए. सो मैं हो चुकी हूँ रेडी और मुझे अभी से इतनी ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है. और या मैं कैसी लग रही हूँ. सो मैं आ चुकी हूँ रेडी और ये है मेरी सिस्टर जो कि मेरे साथ जा रही है और बस अब हमने कैब बुक कर दिया, कैब आई है एंड देन हम फटाफट निकलेंगे. अभी कुछ खाया भी नहीं है, खाली पेट है, लेकिन मुझे भूख भी नहीं लग रही क्योंकि इतनी गर्मी हो रही है और ऐसा हो रहा है कि जब तक शूट नहीं होता मुझसे कुछ खाया नहीं जाता. तो या चलो फिर अब हम निकलते हैं. तो हम फाइनली निकल चुके हैं और मेरे पूरे बाल खराब हो चुके हैं. बस अब हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे. बस मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है. फाइनली हम पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है. हाँ वैसे मुझे शाय फील तो नहीं होता है क्योंकि मैं और भी वीडियो सुनाती हूँ, बट साड़ी में थोड़ा ऑकवर्ड लग रहा है और मेरे कान का भी गिर चुका है. आज ही सारे डिज़ास्टर हो रहे हैं. सो अब हम फटाफट कोई अच्छी सी लोकेशन देखते हैं एंड देन स्टार्ट करते हैं. तो हमको ये लोकेशन पसंद आई है, यहाँ पर भीड़ भी नहीं है. तो अभी हम यहाँ पे शूट करेंगे एंड देन उसके बाद ढूंढते हैं एक दो जगह शूट करेंगे जहाँ पे अच्छा लगेगा, देन वही हम वो करेंगे. बट मुझे ये सही लग रही है क्योंकि यहाँ भी लोग भी कम हैं और अच्छी भी है पूरी ग्रीनरी. अब यहाँ पे ये लास्ट है, देन कहीं और लेते हैं. अब एक जगह में हमने शॉट ले लिया है और बहुत मुश्किल से, कभी कोई आ रहा था कभी कोई आ रहा था. अब हम जाएंगे दूसरी जगह. बहुत गर्मी लग रही है बहुत ज़्यादा और मेरा कान का झुमका भी गिर गया. पता नहीं वो वीडियो में पता चलेगा कि नहीं चलेगा. ये देखो एक कान में है एक कान में नहीं है. और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है टू बी ऑनेस्ट. यहाँ तो हो रहा है मम्मी पापा
यहाँ पे शूट, मतलब मेरे शूट में आए और खुद का फोटो शूट कर रहे हैं। मेरी तो कोई कदर ही नहीं, और मैं पसीने से हो चुकी हूँ, चूर चूर पानी पानी हो गई, पानी पानी मैं पानी पानी बहुत गर्मी है गाइस, बहुत ज्यादा। शूट कंप्लीट हो चुका है और हम इतने ज़्यादा टायर्ड हो गए, पूरा पसीना पसीना, स्वेटिंग एंड ऑल, बहुत ज़्यादा गर्मी थी लेकिन बहुत मज़ा आया। हाँ, तो और वीडियो तो आपने देख ही लिया होगा, हमने कितनी मेहनत करी। तो अगर आप लोगों ने लाइक नहीं करी वाली वीडियो तो अभी जाके लाइक करो, और इसको भी लाइक करना, शेयर करना। या बस यही था, हम कुछ जाएंगे खाएंगे एंड फिर सो जाएंगे पूरा दिन। चलो फिर बाय बाय।